हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए हम लोग जो है कि 150 प्रश्नों में से जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन यानी 70 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कम समय में बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर एक स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? ऑप्शन जो है इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अंडा। अंडा जो कि रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। राष्ट्रीय जो है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, तो इसका ये जो है कि लागू 1 फरवरी 2014 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गोरफील्ड 100 वर्ष ट्रॉफी का खिताब जीता? ऑप्शन जो कि इस प्रकार आपके सामने, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है दोस्तों, उस राज्य का नाम बताना है तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कि तांबे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रिसाइडेक्स। ठीक है दोस्तों, रिसाइडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है एंड किया जाता है? तो यह जो है कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने, तो दोस्तों यह जो है कि मधेपुरा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। दिसंबर 2017 में WTO को मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कि ब्यूनस आयर्स में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी? ठीक है, तो यह जो है कि दोस्तों गुजरात में की गई थी, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, कौन सा ज्वालामुखी डोरमट के प्रकार का है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट मिलिमजारो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ठीक है, जिसको जो कि अनटेक बोलते हैं, अनटेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने, तो यह जो है कि जिनेवा में स्थित है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, तो पाइका आंदोलन के जो नेता थे वो थे वीर पाड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों अंगोला की राजधानी पूछ रहा है, तो अंगोला की राजधानी जो है कि लुआंडा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए ताकि हमेशा याद हो जाए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति एजल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 14, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी? ठीक है दोस्तों, तो उनकी हत्या जो है कि 1909 ईस्वी में कर दी गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जो है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? ठीक है दोस्तों, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम रक्षा मतलब महिला रक्षा मंत्री जो है कि नाम पूछ रहा है उनका, इनका नाम है इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन होते थे? ठीक है दोस्तों, होते थे कौन थे पूछ रहा है, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह नारायण प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ई ए फ्री स्टेट की रचना किसने की है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वी एस नायपॉल ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है?
दोस्तों इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों के सिवान थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो है कि नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बैंकिंग लूपहोल योजना भारत के प्रथम बार यानी भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यह जो है कि भारत में जो है कि 1995 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, लिपु लेख दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो लिपु लेख दर्रा जो है कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो दोस्तों यह जो है कि 137वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज राज, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की है, तो नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की दोस्तों, तो ये जो कि फिलिपिनी ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था, तो दोस्तों ऑप्शन जो कि इस प्रकार आपके सामने है, पटना, गया, जगदीशपुर, सासाराम, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे जगदीशपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सवाल नंबर 27, कौन सा बादरगाह यानी बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अदन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौहर सफियान वादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पीडमोंट पठार का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा पठार, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, खरीफ फसलें, जायद फसलें, रबी फसलें या खरीफ फसलें, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रबी फसलें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पाषाण युग में माइक्रो जो है कि लीथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य पाषाण युग, ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है, ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम बताना है, राज्यों का नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, पूरा ऑप्शन दिखाई दे दिया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, स्वर्ण सिंह, ठीक है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश की थी दोस्तों, किसके गठन के लिए और सुधार के लिए, इसमें ऑप्शन उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1900 यानी 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया, ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विधवा पुनर्विवाह, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कम समय में 70 प्रश्नों का रिविजन करेंगे, तो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है, मिलते। अगला प्रश्न है, भारत में
केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 2007। अगला प्रश्न है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे हाँ सही जवाब है 2007। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि जून 2006 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे आपके सामने, 2015 से 2016 में से जो मतलब में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? ठीक है दोस्तों, 2015 से 2016 में भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है, उस राज्य का नाम बताना है जो कपास का उत्पादन सबसे अधिक करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो कि कपास की खेती सर्वाधिक हुई थी, ठीक है, 2015 से 2016 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास मेला औचल औचल के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उपन्यास का नाम पूछ रहा है तो अरुंधति रॉय जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि शीलभद्र सूरी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, उनके लेखक का नाम बहुत पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, जो है कि ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आई चूड़ीगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? ठीक है दोस्तों, तो यह जीता था करीना विवास्को ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की राज्यपाल कौन है? ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम पूछ रहा है, तो दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल इस समय जो है कि बनवारी लाल पुरोहित जी है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झिंझिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों, तो पंचायती राज का गठन जो है कि 1965 ईस्वी में किया गया था, और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ईरी नहर किसको जोड़ती है? तो दोस्तों ईरी जो नहर है वो जो है कि ईरी झील और एंटेरियो झील को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पीवी सिंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे आपके सामने, बिहार की पंचायत समिति के सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायत समिति की उप प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हमारे सेशन आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल टॉप जो है कि 55 माफ कीजिएगा यहाँ पे 54 क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को प्रोवाइड कराए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्त। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।